आज मैं बैठी थी तो याद आया कि आज क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए। तो याद आया कि कल का मेरा दूध बच गया था, आज का भी दूध बच गया। देखिए यहाँ पर हमने पनीर घर पर बनाए हैं, देखिए कितना स्मूथ बनाए, एकदम मुलायम है देखिए। और यहाँ देखिए हम पोहे का साग लिए हैं और यहाँ दो प्याज हम काटे हैं और हरी मिर्च दो चार इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम अभी दिखाएंगे कि हम कैसे बनाएंगे आज पोहे का पनीर। और यहाँ देखिए हम एक मीडियम साइज का आलू ले लिए हैं, तो इसको हम जैसे पनीर का कटिंग किए हैं तो इसका भी हम उसी तरह कटिंग कर देंगे। और देखिए हम थोड़ा सा और कढ़ाई में तेल डाल लेंगे, थोड़ा सा डाले थे। और जानते हैं मेरे साथ क्या हो गया, हम पापड़ छान के रखे थे अपने हस्बैंड के लिए, पैक भी किए थे और अभी आ रहे हैं किचन में तो देख रहे हैं कि पापड़ तो यहीं छूट गया। अब देखिए आते हैं हस्बैंड तो झापड़ खिलाते हैं हमको या पापड़ खाते हैं खुदे, डर तो लग रहा है, आज तो झाप खाएंगे हम जरूर। ओ देखिए यहाँ तेल मेरा अभी गर्म नहीं हुआ है, अभी हो रहा है गर्म। और यहाँ देखिए हम मसाला लिए हैं, दो चार हरी मिर्च है, लहसुन का एक कोटा है और थोड़ा सा जीरा मिर्च लेंगे। और आज ना मेरा चावल बच गया है, मेरा लड़का ना अपने जाके अंकल के यहाँ खाना खा लिया था तो वही मेरा चावल बच गया है, आज हम उसको फ्राई करेंगे। लेकिन भैया दोस्त बहन जो भी हैं आप लोग सब भगवान से विनती कीजिएगा कि हमारे हस्बैंड को जाप ना किया है, खुद वो पापड़ खा लें आके। तो देखिए हमें तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे पहले। और ये आलू भी हम साथ में डाल देंगे ताकि दोनों मेरा फ्राई हो जाए। तो हम अपने मसाले को सिलबट्टा पर पीस लेंगे जब तक ये भुनाएगा। तो देखिए हमारा पनीर एकदम देखिए गोल्डन कलर का हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए हमें तेल ज़्यादा है तो इसलिए हम तेल को निकाल लेंगे थोड़ा सा, और इसमें दो तेज पत्ते डाल देंगे, एक लाल मिर्च। देखिए मेरा आलू पका है या नहीं पका है। हाँ आलू मेरा देखिए एकदम पक गया है अंदर तक, देखिए। मैं इसमें प्याज डाल दूँ, तो देखिए हमारा प्याज में भुना गया है, अब हम इसमें मसाला के चीज़ों को उन्हें डाल देंगे, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, और इसमें ये हम पोहे का साग डाल देंगे। मेरी मम्मी ना बहुत बनाती थी और पोहे का जो है ना जैसे ओल होता है सुरान एकदम नीचे इतना बड़ा ऐसा सब्जी आलू का जैसा लगता है, मगर हाँ गर्म मसाला डाल दीजिएगा ना तो बहुत टेस्टी बनता है। मेरी माँ बनाती थी, बहुत बनाती थी और वहाँ पर हम लोग का ये बहुत सारा होता भी था, एक छत ही पूरा भर जाता था। और इसमें फलता है जो पोहे का फल भी निकलता है तो उसका बीज जो हो जाता था लाल लाल, और उसी से हम लोग पोहे अपना रंगा करते थे बचपन में। हम थे, मेरी बहन थी बड़ी थी, दोनों आदमी उसी से लगाते थे।
तो यहाँ मेरा मसाला देखिए एकदम भुना गया है और खोए का जो साग हम डालते देखिए वो भी एकदम गल गया है। और इसमें हम डाल देंगे पनीर और आलू। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। और ज़्यादा से जो यफा हम निकाल कर रखे हैं तो इसको हम चावल फ्राई करेंगे। इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला चिकन मसाला डालेंगे, गरम मसाला नहीं है। चलिए थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देते हैं, चिकन मसाला कम समय है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। अब इसको ढक के हम 2 मिनट पकाएंगे इसको। और तो देखिए मेरा सब्जी यहाँ बन करके तैयार हो चुका है, पोहे का साग, आलू और पनीर। अब हम इसको उतार देंगे। तो देखिए जो तेल बचा था उसी को हम इसमें डाल देंगे अब। और देखिए यहाँ मेरा सब्जी बन करके तैयार है। देखिए अब हम यहाँ देखिए अपने हस्बैंड के लिए एक मोटा रोटी बना रहे हैं, क्योंकि मोटा रोटी ना बहुत मीठा होता है, पतला रोटी में उतना विटामिन नहीं रहता है जितना मोटा रोटी में रहता है। अब हम इसमें ना मिर्च डाल देंगे पहले। रोटी का भी हालत हमको देखना है। देखिए मिर्चा जल गया मेरा। अब इसमें हम थोड़ी प्याज डालेंगे। और देखिए यहाँ रोटी भी मेरा तैयार है। अब इसको हम कपड़े के हाथ से फुला लेंगे। यानी कि मैं प्याज ज़्यादा भुना गया है। अब इसमें हम पोहे का साग डाल देंगे थोड़ा सा, बहुत टेस्टी होता है साग। आप डाल के चावल भुजी में मतलब किसी भी सब्जी में भी आप डाल दीजिए, बहुत टेस्टी बन जाता है सब्जी। देखिए यहाँ मैं तो तैयार हो गया। अब ये चावल देखिए बचा इसको हम डाल देंगे इसमें, हल्का नमक डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे कलर के लिए। अब हम इसको मीडियम आंच पर करके ढक देंगे ताकि मेरे जो हल्दी हम डाले हैं वो हल्दी अच्छा से पक जाए। देखिए हमें बाद यहाँ पर एकदम चावल भून करके तैयार हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कल के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कल एक नए डिश के साथ फिर आऊंगी आपके साथ। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।